नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 में क्या बोला है बेटा, ए मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड। ठीक है, इन हिज हैंड ये मास दे दिया कितना 2 kg का। इफ ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 meter, तो ये 40 meter का डिस्टेंस ट्रैवल करता है बेटा, है ना। मतलब ये यहाँ से मान लो यहाँ पे आ गया विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे दिया है कितना 0.5 meter per second square। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, मैन के चलते वर्क डन कितना होगा ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। तो ब्लॉक पे कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैन एक्सेलरेट कर रहा है तो अगर आप सिर्फ बॉल पे अगर आप फोकस करो तो आपको क्या लगेगा कि ये जो बॉल है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो बॉल को एक्सेलरेट कौन करवा रहा है, बॉल पे फोर्स कौन लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आंसर इज मैन ही फोर्स लगा रहा होगा बॉल पे, जिसका कि कोई कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करवा रहा होगा। तो मैन जो है वो दो तरह के फोर्सेस लगा सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब नेट कहीं ना कहीं लगा रहा होगा। तो मैं तो इतना मानकर चल रहा हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल के चलते जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल जो होगा डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा मैन के चलते, उसके चलते क्या होगा, वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। तो वर्क डन हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एफ एक्स और फोर्स इंटू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट दिया बेटा, तो हम लोग डायरेक्टली एफ डॉट एस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा, अब फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बॉल का मास तो दे दिया और एक्सेलरेशन भी दे दिया, तो बॉल पे फोर्सेस निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप, एम इंटू ए, मास दे दिया 2 kg और ए की वैल्यू कितनी है 0.5, तो फोर्स इतना लग रहा होगा तभी एक्सेलरेशन उतना हो सकता है ना। एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका दे दिया है 40 meter, और यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट में एंगल 0 ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। तो कॉस थीटा कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 × 10 तो ये आ जाएगा कितना 40 joule के आसपास। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो होगा फोर्स के चलते कितना आ जाएगा, वो 40 joule। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।